पूर्णिया के लालगंज गांव के लोग सौरा नदी पर पुल नहीं बनने और लगातार हो रहे कटान से काफी परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि इस गांव से 5 साल में करीब 25 बच्चों की नदी में डूबकर मौत भी हो गई है और प्रतिवर्ष 4 से 5 बच्चों की डूबकर मौत अवश्य ही हो जाती है, ऐसा यहां के लोगों का साफ तौर पर कहना है। पूछताछ के दरमियान ने बताया कि चचरी पुल वे लोग बनाकर चलते थे, किंतु बाढ़ में प्रतिवर्ष चचरी पुल दह जाता है और वे लोग तैर कर किसी तरह से नदी पार करते हैं और कई मर्तबा शिकायत करने के बावजूद ना तो विधायक और ना ही सांसद ने इन समस्याओं पर ध्यान दिया। ग्रामीणों की इन समस्याओं को लेकर बिहार विकास मोर्चा के राकेश सिंह ने आवाजें जरूर बुलंद की, किंतु उसका भी परिणाम कुछ नहीं आया और एक मर्तबा फिर से उस आंदोलन को बिहार विकास मोर्चा की ओर से हवा दी जा रही है। लालगंज यहाँ 10,000 जनसंख्या है, वर्षों से नदी के कारण घर जो है विलीन हो रहा है, आम जनमानस परेशान है, लेकिन शहर के कमिश्नरी शहर के 2 किलोमीटर रहने के बावजूद यहाँ के जिला प्रशासन यहाँ की सरकार कोई आज तक ये लोग कई बार यहाँ के ग्रामीण लोग पुल के निर्माण की मांग को लेके कटाई निरोधक काम हो जिसके लेके कई बार प्रदर्शन किया गया है, लेकिन आज तक जिला प्रशासन इतनी गहरी नींद से सोई हुई है, उसको हम लोग जगाने के लिए बिहार विकास मोर्चा के बैनर तले हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पर रानी पत्रा बाजार है और इन लोगों को यदि पुल बन जाती है यहाँ के 10,000 लोगों को सुविधा होगी, सिर्फ पुल टपने के बाद रानी पत्रा बाजार है, लेकिन मार्केट जाने के लिए ये लोग गरीब आदमी को 12 से 14 किलोमीटर जाना पड़ता है यहाँ, जबकि केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद कोई काम विकास का काम नहीं हो रहा है और रोज बयान सिर्फ बयान शिलान्यास यहाँ के जनप्रतिनिधि करते हैं। हम मांग करते हैं यहाँ के जिला प्रशासन और सरकार से कि आप कौन निंद्रा में सोए हैं, यहाँ के गरीब किसान तराई माम की स्थिति में है, आप कब जागिएगा? सिर्फ आप वोट का राजनीति के लिए आते हैं, सिर्फ जब जिस समय चुनाव होगा सिर्फ यहाँ जनप्रतिनिधि लोग आते हैं और ये लोग को सिर्फ आश्वासन दे के चले जाते हैं। आप बताइए कैसे कई लोग पानी के कारण यहाँ मौत हो चुकी है, लेकिन आज इसके बावजूद भी यहाँ के जिला प्रशासन एकदम गहरी नींद में सोई है, उसी को जगाने के लिए बिहार विकास मोर्चा ने निर्णय लिया है कि जब तक पुल का निर्माण नहीं होगा, जब तक यहाँ जो कटाई हो रहा है जिला प्रशासन अविलंब उसको बंद करने का काम करे, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जो सर कम से कम आज 5 साल से आपका कम से कम 100 नेता यहाँ आ चुके हैं, आपका SP DSP जो भी हम लोग को कलेक्टर बाढ़ कटाव में, अब तक कम से कम 50 बार वो आ चुके हैं, यहाँ से ले जाके जाते हैं, वीडियोग्राफी करके लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग पूर्णिया का नज़दीक रहते हो, पूर्णिया से हम लोग 5 किलोमीटर भी दूरी में हम लोग है नहीं, लेकिन हम लोग का आज तक आश्वासन के सिवा हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। आज तक ना हम लोग के तरफ कोई MP देखा ना कोई MLA देखा, वोट के टाइम ले सिर्फ वोट ले लेते हैं जो हाँ आपका हम लोग विकास करेंगे, आपका कोसी हम लोग को कटाव हम लोग को रोकेंगे, लेकिन आज तक ने कोई नहीं रोका। खाली भरोसा देने आता है, खाली भरोसा देने आता है जो ही आपका काम हो जाएगा। अच्छा, हम लोग का पुल के बारे में हम लोग कम से कम 100 बार बोले सर देखिए हम लोग। अच्छा, ये पुल नहीं रहने से क्या क्या परेशानी आप लोग को? पुल का रहने से हम लोग को सर रानी पत्रा मार्केट आने जाने में हम लोग को बहुत सुविधा होगा, बाढ़ के टाइम में भी हम लोग का सुविधा होगा, जितना बच्चा आज कम से कम 20 बच्चा हम लोग का डूब चुका है ये कोसी में, आपका इस पार उस पार हम लोग को होने के चलते हम लोग को नाव के भी भरोसा दे रहा, लेकिन एक भी नाव अभी लालगंज में नहीं आया है। लालगंज हमारा ये 20 बच्चा डूब चुका है, बिल्कुल 20 बच्चा से ऊपर डूब चुके हैं। कितना दिन में इतना बच्चा डूब गया? ये आपका 5 साल के अंदर ये बच्चा डूबे हैं, डेली आपका 1 बच्चा 2 बच्चा 2 दिन 4 दिन 10 दिन पर बच्चा, हम लोग कितना मीडिया वाला के पास किसके पास जाएंगे, कोई हम लोग का सुनने वाला है ही नहीं। हम लोग का रोड का स्थिति आपने आया आप देखे रोड का स्थिति, जो हम लोग का रोड का क्या स्थिति है, हम लोग का कहीं कोई चीज का हम लोग का सुविधा है नहीं, सरकार के तरफ से हम लोग को कोई चीज का सुविधा है नहीं। सांसद जी विधायक जी के पास हम लोग आए, उसके पास आवेदन दिए, सिर्फ आश्वासन हम लोग का सर पुल बनवा दीजिए,
आए नदी किनारे पत्थर बिछवा दीजिए ताकि गांव लोग कटाव रुक जाए, बच जाए। हम लोग का जमीन जगह नहीं है, यहीं रहना। अच्छा, ये प्रति साल बच्चा डूबता है यहाँ क्या? प्रति साल डूब जाता है सर, कहीं पानी में गया नहाने के लिए, चाहे इस पार उस पार हुआ, नाव से तो सर बाढ़ गिर गया, वो डूब गया। कितना बच्चा डूब गया होगा अभी तक? 20-21 बच्चा इसमें चला गया सर। 20-21 बच्चा अभी तक डूब गया है? डूब गया है, लेकिन बच्चा यहाँ से जाकर खर्रा दिया अब तक खोजते खोजते मिलता है। अच्छा, नाव वगैरह कुछ दिया है सरकार? नाव कुछ नहीं, नाव देता है सर, कुछ भी नहीं दिया, नहीं देता है, ये तैर के जाना पड़ता है खोजने के लिए। तो आप लोग चचरी पुल बनाए थे ना? हाँ, चचरी पुल तो बनाए थे, लेकिन ये बाढ़ आता है और बहुत घेगवा लगता है, उसमें ठेल कर चला जाता है, टूट जाता है। तो चचरी पुल आप लोग अपने से बनाते हैं कि नहीं, कोई बना? चचरी पुल हम लोग गाँव मिल कर के ही बनाते हैं। कितना दिन से बनाते आ रहे हैं चचरी पुल? हाँ, चचरी पुल हम लोग कम से कम 8 साल से बना रहे हैं, लेकिन वो विधायक सांसद ये लोग उसमें मदद कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं कर रहा है। 5 साल का बच्चा डूब गया। डूब गया आपका बच्चा? कब डूबा था? मेरा भी बच्चा डूब के मर गया सर, 2-3 साल हो गए। आपका बच्चा डूब गया था? तो बचा कि नहीं बचा? नहीं बचा, मर गया, नहीं बचा, कम हो गया। अच्छा, और कितना आदमी का बच्चा डूबा है यहाँ? बहुत आदमी का डूबा है, साल का है। बहुत आदमी का डूबा है। मेरा भी बच्चा डूब के मर गया सर। आपका भी बच्चा डूब के मर गया? मेरा भी बच्चा डूब के मर गया। कितना साल का बच्चा था? हमारा बच्चा 3 साल का बच्चा डूब के मर गया, बच्ची थी। तो उसका बॉडी मिला कि नहीं? बॉडी भी नहीं मिला सर, बॉडी भी नहीं मिला, बॉडी भी नहीं मिला। और किसी का बच्चा है? भी मिला, एक भांजा का भी, उसका भी नहीं, वो मैंने मेरा चचेरी बहन थी उसका भी बच्चा डूब के मर गया, उसको भी खोज के नहीं मिला। सब इसी नदी में? इसी नदी में, यही नदी में। मेरा भी बच्चा, बोले ना, मेरा भी बच्चा खुद डूब के मर गया। क्या हुआ था? गया था नहाने के लिए, गया था हेलीकॉप्टर से, आइए घर से हेलीकॉप्टर से गया है। तो मिला कि नहीं मिला? मिला था। तो बच गया ना? नहीं नहीं, मर गया। मरने के बाद तो कितना कितना बच्चा अभी तक डूब के मर गया होगा? 20-22 बच्चा, 25 बच्चा डूब के मर चुका। तो ये क्या प्रति साल एक दो दो? प्रति साल का बात है, ये नहीं इस साल नहीं हुआ, अगले साल हुआ, ये नहीं, प्रति साल का बात है। सब साल होता है? सब साल होता है, एक तो दो ठो चार ठो, एक तो दो ठो। अच्छा बताइए, अगर पुल बन जाता है तो इस तरह की घटना? ये सब चीज थोड़ा सा उसका रियायत होगा, नहीं मरेगा। तो आप लोग जब देख रहे हैं कि बच्चा डूब रहा है, तो बच्चा को काहे नहाने के लिए भेज देते हैं? बगल में नदी है, बगल में कसी है, कोसी है, तो बच्चा को हम लोग रोक नहीं पाएंगे सर, तो जाएगा देरा ही जाएगा, घास काटने के लिए जाएगा, कोई चीज लेके ही जाएगा, उसको तो आना जाना लगा हुआ रहता ही है। अच्छा, क्या हुआ? उसी में डूब के मर गया, कखनी डूब लो दिशा पानी में। तो बाद में मिला? मिला ना, भैंस चल गया। नहीं मिला? भूसा ठेस ले जाते, अगर खाली भैंस चले गए,